सभी को शुभ संध्या। प्रणाम सर। प्रणाम भी बहुत बहुत प्रणाम सभी को। और जो है आज की क्लास जो है हमारी चौथी क्लास है, पांचवी क्लास है, और आज जो है ये हमारी कम्युनिकेशन की लास्ट क्लास है। उसके बाद में एक क्लास जो है वो जो हमारा लर्निंग का छूट गया था उसपे है, उसके बाद में इन्वायरमेंट की क्लास होगी। तो आप लोग तैयार करके रखिएगा, इन्वायरमेंट का भी मैं इसलिए पहले ही बता दिया। तो इसके पहले हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, पिछले कई दिनों से पढ़ते हैं कम्युनिकेशन क्या है, जो कम्युनिस्ट शब्द से बना जिसका मतलब होता है कॉमन। फिर हमने उसके जो है डेफिनेशंस पढ़ी, मीनिंग पढ़ी, फिर हमने आगे चल करके कम्युनिकेशन के जो है एलिमेंट्स पढ़े, बेसिक एलिमेंट्स क्या है, जिसमें हमने कम्युनिकेटर, मैसेज, इनकोडर, फिर चैनल, फिर डिकोडर, फिर रिसीवर, फिर फीडबैक एलिमेंट्स पढ़े। एलिमेंट्स पढ़ने के बाद हमने फिर उसके टाइप्स पढ़े, आपने देखा होगा टाइप्स हमने जो है जनरल टाइप्स पढ़े, जिसमें हमने इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ट्रांसपर्सनल, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन पढ़े। और उसके बाद में हमने कुछ और टाइप्स पढ़े, जिसमें हमने फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल पढ़े। फिर हमने चैनल ऑफ जो है कम्युनिकेशन की प्रोसेस पढ़े, जिसमें हमने लीनियर और जो है लीनियर और सर्कुलर पढ़े। लीनियर के अंदर हमने सेनन और वीगर का मॉडल पढ़ा, जिसे मैथमेटिकल मॉडल भी कहते हैं। इसमें हमने ये पहले पढ़ा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजों का अगर उपयोग करके हम संचार करते हैं तो किस प्रकार से जो नॉइज है वो क्या करता है कि मेन मैसेज को बदल देता है, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा जो है दूसरी चीज सेनन वीगर के बाद में श्रेम मॉडल। श्रेम मॉडल क्या था, जिसमें हमने पढ़ा कि वो सर्कुलर कैसे संचार सर्कुलर होता है, यानी फीडबैक मिलता है, तो कैसे इनकोडर जो है वो डिकोडर में कन्वर्ट होता है और डिकोडर इनकोडर में बन जाता है, सर्कुलर मॉडल पढ़ा। एक 1948 में आया था और एक 1954 में आया था, ठीक है। फिर उसके आगे हमने पढ़ा जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हमने फॉर्मल इनफॉर्मल पढ़े। फॉर्मल हमने पढ़ा जो निश्चित प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है, और इनफॉर्मल हमने पढ़ा जिसके लिए पहले से कोई प्रोटोकॉल किया जाता है, और इस चैनल को हम ग्रेप पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा। फिर हमने अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन पढ़ा, जिसे हम वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, जो अपवर्ड डाउनवर्ड होता है। हॉरिजॉन्टल पढ़ा, जब एक ही समान अनुभव क्षेत्र में होता है, इक्वल लेवल में होता है। और हमने डायगोनल पढ़ा, जब जो एक चैनल होता है फॉर्मल जो कम्युनिकेशन का, उसको जो ब्रेक कर दिया जाता है, बीच से तोड़ के कहीं भी कम्युनिकेशन होता है, तो इसको हम कहते हैं, ऐसा के चैनल को हम कहते हैं जो है, अरे सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा सा, मेरी कैट है, कैट पाल रखी और मुझे पढ़ाते समय बड़ी डिस्टर्ब करती है, अभी काट रही थी पैर में से, थोड़ा परेशानी। तो ये हमने चैनल पढ़े, फिर चैनल के बाद में कंप्लीट हो गया था। और आज जो हम जो है मीडिया के बारे में पढ़ने जा रहे थे, इससे जुड़े क्वेश्चन है, चूंकि कम्युनिकेशन का है तो कम्युनिकेशन मास मीडिया जो पढ़ेंगे, मास मीडिया जनता के बाद जनता से कैसे संचार किया जाता है, उसके लिए इंडिया में कौन कौन से मीडियम मौजूद है, जिसमें हमने पढ़ा था कि न्यूज चैनल है, जिसमें टीवी है, रेडियो है, न्यूज पेपर है, ठीक है, सोशल मीडिया आजकल काफी पॉपुलर है। इसके सिवा आप जानते हैं मूवीज, फिल्म थिएटर जगत है जिसमें कहा जाता है, फिल्म क्या है, इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, कोई भी पिक्चर बनती है समाज का एक आईना होती है, तो कौन कौन सी मूवीज हैं, कौन चेयरमैन हैं, कौन सी संस्थाएं हैं, चेयरमैन कौन से है, किस मूवी को ऑस्कर दिया गया, और कुछ कौन से अवार्ड किस मूवी को दिया गया, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। उससे जुड़े क्वेश्चन के बारे में हम पढ़ेंगे, कौन सा संस्थान कहाँ पे स्थित है, इन प्रश्नों का जवाब हम आज पाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ जिज्ञासा हो, तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। कुछ नहीं पूछना किसी को? सर डायडिक कम्युनिकेशन क्या है सर? क्या कह रहे हैं आप? ट्रायडिक? डायडिक सर, DYADIC, डायडिक, TYADIC। अच्छा भाई, ये मुझे तो नहीं मालूम है। सर एक क्वेश्चन में आया था सर, डायडिक कम्युनिकेशन। हाँ, तो जहां भी क्वेश्चन में आया था उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज देना, क्योंकि जब क्वेश्चन पढ़ो तब समझ में आता है, मात्र टाइडिक से समझ में नहीं आएगा।
तो आप जो है क्वेश्चन एक स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, तो मैं कल के जो क्लास होगी उसमें इंक्लूड करूंगा। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रश्न अगर आपको लगता है आप उसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्या होता है जब प्रश्न पूरा पढ़ते हैं तो उसका रियल मीनिंग समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और किसी का कुछ प्रश्न तो नहीं है? कोई भी ऐसी जिज्ञासा हो तो आप बोल दीजिएगा, और अगर मुझे नहीं पता है अभी तो मैं उसको पता करके बता दूंगा, और अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं एक्सपर्ट से, जो खासकर मास मीडिया के जो एक्सपर्ट है, मुझे तो नहीं मालूम हो सकता है कि मास मीडिया में बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, तो उस एक्सपर्ट से भी क्लास करवा सकता हूँ। सर हमारी कितनी यूनिट कवर हो गई है पेपर वन में? ये तो आपको भी मालूम होना चाहिए। सर मैंने ना बहुत लेट ज्वाइन करा है, तो अभी मेरे को ऐप समझने में ही 3-4 दिन लग गए हैं। ज्वाइन किया कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अभी जो यूनिट चल रहा है वो अभी तीसरी यूनिट चल रही है, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन। ठीक है, अब इसके आगे 3 ही कम्प्लीट कर ली, उसके आगे बढ़ रहे हैं। जी थैंक यू सर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं न्यूज के बारे में। जैसा मैंने कल पढ़ा था कि न्यूज का मतलब क्या होता है, न्यूज के जो 4 वर्ड है जिसे शॉर्ट, ठीक है, जिसे हम न्यूज कहते हैं, इसके जो एक एक जो वर्ड है के अंदर जो अक्षर लिखा हुआ है, N फॉर नॉर्थ, E फॉर ईस्ट, W फॉर वेस्ट, S फॉर साउथ, तो चारों दिशाओं का बोध कराता है। तो जो न्यूज के अंदर जो शब्द दिखाए गए जो वर्ड है, 4 लिखे हुए हैं इसके, जो अल्फाबेट लिखे हुए हैं, चारों दिशाओं का आप बोध कर रहा है, इसका मतलब जिसके अंदर सूचना जो हमें मिलती है वो चारों दिशाओं से मिलती है, चारों दिशाओं का ज्ञान होता है। और आपको पता है समाचार क्या होता है, कोई भी घटना घटित होती है, कोई भी वस्तु होती है, उसके बारे में जो निष्पक्ष और परिशुद्ध ज्ञान होता है उसे हम समाचार कहते हैं। अब देखिए विश्व में भारतीय पत्रकारिता का उदय कैसे हुआ, कैसे पत्रकारिता का उदय होता है, किस प्रकार से पत्रकारिता के ओरिजिन है, आगे बढ़ती है उसके बाद। कहा जाता है विश्व में प्रथम पत्रकारिता का जो उदय है वो रोम से माना जाता है। ठीक है, ये जो रोमन कंट्रीज हैं वहां से माना जाता है पत्रकारिता का उदय। उसके बाद आगे और आगे जैसा कि एविडेंस मिलती है उस अनुसार से 1476 में, 1476 में सबसे पहला छापा खाना आप जानते हैं मशीन होती थी, जैसे आज प्रिंटर होता है तो आप प्रिंट कर लेते हैं, पहले ऐसा नहीं था, छापे खाने की मशीन होती थी और उसमें छपता था। जैसे देखा होगा आपने जो है मेहंदी कोई कोई लगाने के लिए देखा होगा कि वो डिजाइन रखी रहती है, उसमें मेहंदी कुछ कलर लगाते हैं और हाथ पे लगा देते हैं, बन जाती है। उसी तरह से क्या होता था कि कोई छापने के लिए मशीन होती थी, बनाया जाता था, आपसे आप सभी लोग परिचित हैं, बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद और आगे चलते हैं कि मुंबई में 1674 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई, और दूसरा प्रिंटिंग प्रेस जो है 1772 में मद्रास में हुआ, और तीसरा प्रिंटिंग प्रेस जो है 1779 में कलकत्ता में, जो सरकार यानी गवर्नमेंट का था वो स्थापित किया गया। वस्तुतः समाचार शुरू करने का पहला प्रयास जो है जब कहाँ से शुरू हुआ, 1776 में विलियम बोल्ट के द्वारा सबसे पहले जो है वो कलकत्ता में समाचार शुरू करने का प्रयास किया गया। आगे आते हैं फिर 1780 में, 1780 क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने उल्लेख किया कि 1780 में जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने सबसे पहले बंगाल गजट या जिसे कलकत्ता जनरल एडवाइजर नामक पत्र कहते हैं से भारतीय पत्रकारिता की नींव रखी। तो ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में या सबसे पहला जो है पेपर किसने शुरुआत की, तो जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने, नाम क्या था, उसका नाम था बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवाइजर कहते थे, जो 1780 में इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया है। इसी बीच मद्रास में 1785 में मद्रास कुरियर नाम से पहला समाचार पत्र सामने आ गया। ठीक है, मद्रास कुरियर के नाम से इसे सरकारी मान्यता थी, जो जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने की थी वो सरकारी मान्यता नहीं थी उसको, लेकिन जो मद्रास कुरियर आया 1785 में ये गवर्नमेंट के द्वारा ये मान्यता थी। ठीक है, इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। इसके जो संस्थापक थे वो रिचर्ड जॉनसन, जो सरकारी मुद्रक थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं बम्बई का सबसे पहला समाचार पत्र जो था वो बम्बई हेराल्ड, यानी बम्बई हेराल्ड उसका नाम था, जो 1789 ईस्वी में अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या था, मुंबई हेराल्ड, जो 1789
में प्रकाशित होना शुरुआत हुआ या अंग्रेजी में, इंग्लिश में, इंग्लिश न्यूज पेपर था। उसके बाद आते हैं 1838 में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन शुरू हुआ। 1865 में पायनियर जो है समाचार पत्र है इसका प्रकाशन शुरू हुआ। फिर 1878 में आते हैं तो समाचार पत्र हिंदू, और 1923 में आते हैं तो हिंदुस्तान टाइम जो पत्र चलता है, न्यूज पेपर चलता है, इसका जो प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो ये कुछ ऐसे मेन मेन न्यूज पेपर थे जो कब से पब्लिश होना शुरू हुए इसके बारे में दिया गया। ठीक है, अब आते हैं रेड में फिर लिखा है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आया है कि पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने 30 मई 1826 को कलकत्ता से हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित किया। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला हिंदी का न्यूज पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो सबसे पहले जो हिंदी भाषा से प्रकाशित होने वाला न्यूज पेपर था वो 30 मई 1826 को कलकत्ता से प्रकाशित होता है, और जिसको प्रकाशित करने वाले कौन थे, पंडित जुगल किशोर शुक्ल। क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे पहले हिंदी जगत का कौन सा समाचार पत्र था, तो उदंत मार्तंड था। किसने प्रकाशित किया था, पंडित जुगल किशोर ने। कब प्रकाशित किया था, 30 मई 1826 से। कहाँ से प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता। तो चार प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं कि भारत की कुछ जो देखिए ऊपर के जो क्वेश्चन है, देखिए मेन मेन क्वेश्चन कौन सा कब प्रकाशित होता है वही मैंने लिख दिया। ठीक है, मेन मेन क्वेश्चन आते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जैसे पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा का सबसे पहला कब प्रकाशित हुआ, तो ये लिखा हुआ है क्योंकि हिंदी को पढ़ने वाले भी बहुत ज्यादा लोग हैं। लेकिन हिंदी एक ऐसा न्यूज पेपर है जो ऐसा नहीं पूरे इंडिया में सर्कुलेट होता, नहीं पूरे इंडिया में हर जगह हिंदी न्यूज पेपर सर्कुलेट नहीं होता, विभिन्न भाषाएं हैं और विभिन्न भाषाओं में पेपर सर्कुलेट होता है। लेकिन एक ऐसा पेपर है, एक ऐसी भाषा का पेपर है तो में सभी जगह सर्कुलेट होता है, वो इंग्लिश। क्योंकि तो इंग्लिश जो है वो हर एक स्टेट में कोई ना कोई पढ़ना जरूर जानता है, हिंदी होते ना जानता, लेकिन इंग्लिश और अपने यहाँ की भाषा से जरूर प्रचलित। जैसे पंजाबी है तो पंजाबी हिंदी पंजाबी जानता है और इंग्लिश जानता है, जरूरी नहीं वो हिंदी जानता हो। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं कुछ प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी हैं। एजेंसी आप जानते हैं जब भी न्यूज पेपर पब्लिश होता है कहीं से, तो उसको अप्रूवल देने के लिए कुछ ना कुछ एजेंसी होती है। वो एजेंसी जो होती हैं उनको रूल्स रेगुलेशन बनाने का काम करती हैं, अप्रूवल देने का। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही सर। सर आवाज नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऑटोमेटिक क्या है, कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो गया फिर कनेक्ट हो गया, तो ये कल भी प्रॉब्लम थी, आज भी कुछ नेटवर्क इशू होगा या कोई और बात, बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो आगे आते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा पीटीआई यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका नाम है पीटीआई, आपने सुना भी होगा। भारत की प्रथम समाचार एक समिति है, कमेटी है, इसका गठन 1949 में किया गया एवं इसका मुख्य कार्यालय का है मुंबई में। इसका गठन अंग्रेजी समाचार पत्र के संकलन एवं प्रेषण के लिए, कहां से हुआ, अंग्रेजी समाचार जो पत्र पब्लिश होते हैं उनके संकलन और प्रेषण के लिए। देखिए आपको एक बात मालूम होगा, आपने ढेर सारी एजेंसी के बारे में सुना होगा, आपने दैनिक जागरण सुना होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया सुना होगा, द हिंदू सुना होगा, इकोनॉमिक्स टाइम सुना होगा, हिंदी के न्यूज पेपर है अमर उजाला सुना होगा, या जो भी आज तक है और भी न्यूज नेशन है, जितने भी ढेर सारी जो डिजिटल यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो दोनों, ठीक है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होती हैं, ये सब क्या करती हैं, फील्ड से समाचार को कलेक्ट करती है। ठीक है,
और फील्ड से समाचार कलेक्ट करके आपको दिखाती है। लेकिन इसके सिवा और भी कई सारी एजेंसीज हैं जहां से ये इंफॉर्मेशन लेती हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट संसद में कोई काम हुआ, ठीक है, या राष्ट्रपति ने कुछ काम किया, या गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया या कोई पॉलिसी बनाई या किसी को अपॉइंटमेंट दिया, तो ऐसा नहीं होता है कि वो डायरेक्ट जाकर के वो किसी न्यूज एजेंसी से कॉन्टेक्ट करते हैं और उसे बताते नहीं। ये जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो पीटीआई को सूचित की जाती हैं, गवर्नमेंट की एजेंसी है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ये उसको सूचित की जाती हैं। और फिर क्या होता है, जितनी जो अन्य एजेंसी है न्यूज की, वो सभी क्या करती हैं, पीटीआई से सूचना लेती हैं और उस सूचना को लेकर के प्रसारित करती है। तो याद रखिएगा पीटीआई का काम क्या है, वो मेन सूचना एकत्रित करती है, ठीक है, वो फील्ड से इंफॉर्मेशन लेती है और फील्ड से इंफॉर्मेशन लेने के बाद में वो इकट्ठा करती है और उस इकट्ठा करने के बाद वो सूचना जो है बाकी जो जितने भी न्यूज के वो एक तरह से एजेंसी जो होती है उनको ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। तो इसका काम क्या क्लियर हो गए होंगे, ये पीटीआई कोई चैनल नहीं है कि पीटीआई कोई चैनल, ये एक कमेटी है, वो इसके मेंबर्स होते हैं, ये बिल काम करती है, ये इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट की जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है वो, जैसे किसी का कहीं का राज्यपाल कोई नियुक्त हुआ तो ऐसा नहीं वो आज तक वालों को सबसे पहले मालूम चला, नहीं, वो पीटीआई जो है वो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी करेगी कि ऐसा हुआ है और फिर ये जो बुलेटिन है बाकी सभी लोगों को सर्कुलेट की जाएगी। हाँ ठीक है, बाकी सभी लोगों को सर्कुलेट की जाएगी, सभी एजेंसीज को, और वो एजेंसी फिर क्या है इस चीज को बाकी लोगों को शेयर करेगी, ठीक है। तो ये जो है इसका जो मुख्य काम है वो अंग्रेजी समाचार पत्र इंग्लिश न्यूज पेपर है उनके संकलन में काम करती है यानी और उनके लिए न्यूज शेयर करती है। फिर दूसरी एजेंसी है यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, यूएनआई है जिसका नाम है, इसका जो गठन है 1961 में किया गया और इसका जो मुख्य कार्यालय जो है वो कहाँ है, दिल्ली में। फिर है एएनआई, आपने सुना होगा एशिया न्यूज इंटरनेशनल, आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा कि टेलीविजन पे कि एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, तो एएनआई की रिपोर्ट कौन दिखाता है, पता लगा न्यूज चल रही है आज तक पे, न्यूज चल रही है किसी और एजेंसी पे न्यूज चैनल पे, और रिपोर्ट कहाँ से मिल रही है, एएनआई के से प्राप्त सूचना के आधार पे, ठीक है। तो ये क्या करती है, न्यूज को संकलित करती है, उसको सर्कुलेट करती है बाकी सभी में। तो इसका ये एशिया न्यूज इंटरनेशनल है इसका फुल फॉर्म। फिर है यूएनआई है, यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, ये उर्दू सेवा है, उर्दू भाषा के लिए, इसका गठन 1992 में किया गया था। फिर हिंदुस्तान समाचार 1947 में, फिर है समाचार भारती 1965 में। देखिए जो मेन क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन इससे जुड़े हुए ज्यादा डीप नहीं आता है, क्वेश्चन इतना आता है कि एजेंसीज कौन कौन सी है, भारत की प्रमुख समितियां कौन कौन सी है, उनका गठन कब हुआ, या जैसे पीटीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनाई का फुल फॉर्म क्या है, एएनआई का फुल फॉर्म क्या है, तो इस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। उसके बाद आते हैं कुछ अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, जैसे यूपीआई है, यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल है, जिसका गठन 1907 में हुआ था, एडवर्ड बिल स्क्रिप्सन ने न्यूयॉर्क में इसका गठन किया था। उसके बाद में है राइटर है, आपने नाम सुना राइटर्स, आपने इसका नाम सुना होगा, ये इसका गठन 1951 में पाल जूलियन राइटर ने ब्रिटेन में किया था, ठीक है। आपने बहुत सारी न्यूज सुनते होंगे कि राइटर से प्राप्त सूचना के आधार, ठीक। तो इस तरह के कुछ इंटरनेशनल एजेंसी हैं, ये क्या करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज को संकलित करती है और संकलित करके उसको बाकी जितने भी न्यूज एजेंसी होती है अलग अलग जगह के उनको सर्कुलेट करती है। अब आते हैं भारत में कुछ ऐसे जनसंचार के विभाग हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं जो क्या करते हैं कि जितनी भी न्यूज एजेंसीज हैं उनको मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, उनको जो है रेगुलेट करने का काम करते हैं, उनके लिए पॉलिसी बनाने का काम करते हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आते हैं पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। इसका नाम क्या, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका जो गठन हुआ था 1947 में हुआ था। पीआईबी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड गवर्नमेंट न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश, हिंदी, उर्दू एंड 13 रीजनल लैंग्वेजेस, इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन दिल्ली, ठीक है। क्या है पीआईबी, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत आती है और ये क्या करती है कि जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है उसको विभिन्न भाषाओं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और अन्य 13 रीजनल भाषाओं में इसको सर्कुलेट करती है। इसका जो मुख्य कार्यालय है वो दिल्ली में, ठीक है। है पीडी यानी पब्लिकेशन डिवीजन, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करता है, जो चीजें पब्लिश करने का काम होता है, पॉलिसीज वगैरह, ये पीडी यानी पब्लिकेशन डिवीजन काम करता है। ये है आरएनआई,
रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज पेपर्स फॉर इंडिया, इसकी स्थापना जो है 1956 में हुई थी। आप सभी जानते होंगे जब भी कोई न्यूज पेपर पब्लिश होता है तो उस न्यूज पेपर पब्लिश होने के लिए क्या होता है, उस पर परमिट लेनी होती है, और परमिट लेने के बाद में उसको एक नंबर अलॉट होता है। जैसे आपको मोबाइल नंबर अलॉट होता है, या आप कहीं से पेपर पब्लिश करते हैं तो जनरल का नाम लिखा होता है कि ये जनरल है, ठीक है। ई बुक लेते हैं तो उसके अंदर ISBN नंबर लिखा होता है, ठीक है। उसी तरह से जो न्यूज़पेपर पब्लिश होता है उसका RNI नंबर होता है, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर ऑफ फॉर इंडिया। तो ये क्या करता है, जब भी कोई न्यूज़पेपर इस्टेब्लिश होता है पब्लिकेशन के लिए जाता है तो सबसे पहले उसको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, वो रजिस्टर होता है, उस पर एक नंबर अलॉट होता है, ठीक है, तभी वो अपनी चीज को पब्लिश कर सकता है। तो वो जो नंबर होता है उसको RNI नंबर कहते हैं, उसका फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया। फिर है PCI है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। ये भारतीय संसद द्वारा गठित एक अर्ध न्यायिक सेमी है, अर्ध न्यायिक यानी सेमी जुडिशियल है संगठन है। इसकी स्थापना 1965 में संसद द्वारा की गई थी, ठीक, संसद ने इसकी स्थापना की थी। अच्छा क्यों की थी इसकी स्थापना, वर्ष 1975 में आपातकाल लागू होने के कारण सरकार ने परिषद को भंग कर दिया, बाद में जनता सरकार ने संसद में नया प्रेस परिषद विधेयक प्रस्तुत कर 1978 में इसकी पुनः स्थापना की, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। अर्ध न्यायिक क्या है, मतलब देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं न्यूज एजेंसीज के बीच में, बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं जिनको सुलझाने के लिए कोई ना कोई संगठन की आवश्यकता होती है। अब हर चीज को डायरेक्टली न्यायालय में ले नहीं जा सकता ना, कि हर चीज कोई न्यूज एजेंसी के बीच में कोई विवाद हुआ और उसको सीधा जाकर के जो है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, ठीक है, उसको ले जाया गया, ठीक है। तो इसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई 1965 में, ठीक है, संसद का। लेकिन जब 1975 में आपातकाल लागू हुआ तो उस समय की सरकार ने इसको क्या किया, आप जानते हैं कौन सी सरकार थी उस समय 1975 में, इंदिरा गांधी की सरकार ने इसको लागू, हाँ बताएं, कांग्रेस, हाँ कांग्रेस, ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो उस समय ये जो काउंसिल थी इसको भंग कर दिया गया, इसका रोल समाप्त कर दिया गया। लेकिन जब दोबारा जनता सरकार आई यानी बीजेपी की सरकार आई तो उसने फिर 1978 में इसकी स्थापना की। ये क्या काम करती है, जितने भी विवाद होते हैं उन विवादों को निपटाने का काम करती है, ठीक है। फिर आगे आते हैं DAPB, डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। इसकी स्थापना 1955 में हुई, ये भी जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। जितने भी जो है एडवर्टाइजिंग का काम होता है या विजुअल पब्लिसिटी का काम होता है गवर्नमेंट का, वो सभी काम जो है DAPB के अंतर्गत आता है। अब ये दो देखिए, मैंने मेन मेन लिखा, बहुत सारी एजेंसीज है, एक एजेंसी नहीं है। अगर आप जाएंगे वेबसाइट पे देखेंगे तो बहुत सारी एजेंसीज, उस एजेंसीज में से मैंने मेन मेन लिखा, जैसे आपको जितने भी बताया PIB का फुल फॉर्म क्या, PIB कब एस्टेब्लिश हुआ, इसका काम क्या, PD क्या है, RNI क्या है, PCI क्या है, और DAPB इस कई बार आ चुका है DAPB, और हमेशा जब भी आया तब ये पूछा गया है कि DAPB का फुल फॉर्म क्या है, या जो गवर्नमेंट जो है जहां एडवर्टाइजिंग और विजुअल पब्लिसिटी का काम किस एजेंसी के द्वारा करवाती है। ये दो क्वेश्चन, दो तरीके से क्वेश्चन इसका पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में ABC है, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है। ये क्या करती है, जो सर्कुलेशन होता है उसका भी उसको ऑडिट करती है। इसकी स्थापना 1948 में। फिर और आगे आते हैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INSA, इसकी स्थापना इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज़पेपर सोसाइटी के रूप में 1939 में हुई थी, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उसके पहले हुई थी। फिर है इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट, ठीक है, जितने भी जर्नलिस्ट काम करते हैं उनका एक अपना फेडरेशन बना हुआ, वैसे क्वेश्चन ऐसा जुड़ा हुआ नहीं आता है। फिर मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारी एजेंसीज, एक नहीं इतनी सारी एजेंसीज हैं, तब सब दो पेज में लिखी होंगी एजेंसीज के नाम, मैंने मेन मेन लिखा है। तो इसकी स्थापना जो 1950 में हुई थी। फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया AAAI, इसका जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई। फिर इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजिंग ISA, एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया API, फिर TRAI का नाम आपने सुना ही होगा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो ऑनलाइन जितनी भी चीजें चलती हैं उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो TRAI करती है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि एक न्यूज चैनल है रिपब्लिकन, उसके जो मेन जो एंकर थे आप जानते होंगे अर्णव गोस्वामी, तो वहां पर आप जानते होंगे TRP के संदर्भ में बहुत बड़ा खेल हुआ था वहां पर। तो TRAI ने उसको पूरा का पूरा, TRAI के कुछ शायद चेयरमैन उसमें फंसे थे, तो
ये एक एजेंसी है जो क्या करती है, मॉनिटरिंग करती है, ठीक है। तो ये जितने भी डिजिटल जो काम होता है उसको मॉनिटरिंग करने का काम करती है। ट्राइज के पास पूरा डेटा होता है हर एक न्यूज एजेंसी का, हर एक टेलीविजन प्रोग्राम का, हर एक जितना भी डिजिटल चीज सर्कुलेट होती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, वो सब का सब इसके पास डेटा होता है। आप जाकर के इसकी वेबसाइट पर डेटा देख सकते, लेकिन अभी आपको डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि जब से अरुण गोस्वामी का केस जो आया था उसकी वजह से पूरा डेटा जो है हटा दिया गया, ठीक है। फिर है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया है, फिर ATN है, एशिया टेलीविजन नेटवर्क। अच्छा, इसके ATN के बारे में ये अच्छा लिखा क्यों है मैंने, ये सोच लीजिएगा, ये इसीलिए लिखा कि इससे जुड़े हुआ क्वेश्चन आता है, ये पूछा जाता है फुल फॉर्म क्या है। तो एशिया टेलीविजन नेटवर्क ATN के बारे में क्वेश्चन आया था, SIT के बारे में क्वेश्चन आया था, ESPN के बारे में क्वेश्चन आया था, इसका फुल फॉर्म क्या है, वो खासकर ये आया था ATN के बारे में क्वेश्चन आया था कि जो इंडिया में जैसे टेलीविजन देखते हैं ना, ठीक है, आप सभी लोग टीवी देखते होंगे, तो जब हम टीवी देखते हैं तो टीवी देखने के लिए क्या होता है, जैसे एक कानून होता है ना, उसी तरह से हर एक चीज की पॉलिसी होती है। तो जो हम टेलीविजन देखते हैं वो किस पॉलिसी के तहत देख पाते हैं या किस जो नियम के तहत देख पाते हैं, तो वो है ATN, ठीक है, एशिया टेलीविजन नेटवर्क है, इसके थ्रू हम ही इस कंडीशन के थ्रू ही हम इंडिया में टीवी देख पाते हैं, ठीक है। फिर ESPN है, इंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट प्रोग्रामिंग नेटवर्क है। फिर साइट SITE, साइट क्या है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सका है कि साइट का फुल फॉर्म क्या है, तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, चलिए जाते हैं। तो ये तो रही कुछ जो है न्यूज पेपर से जुड़ी हुई, टेलीविजन से जुड़ी हुई, ठीक है। अब आते हैं रेडियो से जुड़ी हुई कुछ चीजें हैं, जिसमें आप जानते हैं BBC का नाम सुना होगा आप सभी ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, इसकी स्थापना 1922 में हुई थी। फिर भारत में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था, 1923 में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। फिर जून 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे ने भारत में पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट किया था। फिर आकाशवाणी के नाम से पहला रेडियो स्टेशन मैसूर में 1935 में शुरू हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाशवाणी के नाम से सबसे पहला कहाँ शुरू हुआ, 1935 में हुआ था, मैसूर में हुआ था। फिर AIR आपने सुना होगा, ऑल इंडिया रेडियो का नाम सुना होगा, इसकी शुरुआत जो है 8 जून 1936 में हुई थी। इससे पूर्व ये इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखिएगा कि ARI का ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई या शुरुआत कब हुई, तो ये इसकी शुरुआत 8 जून 1936 में हुई थी। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था, इससे पहले इसका नाम जो था इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के नाम से ही जाना जाता था। ड्रेड का मतलब है क्वेश्चन आया, आ चुका है, पूछा जा चुका है, इसलिए लिखा। फिर जाते हैं टेलीविजन के बारे में पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो क्या है, दूरदर्शन DD न्यूज आप जानते हैं, दूरदर्शन जिसे कहते हैं, दूरदर्शन जो है 1959 में न्यू दिल्ली से इसकी स्थापना हुई थी। इसका संचालन हुआ था एक एक्सपेरिमेंट के रूप में, किसके, शिक्षा के लिए, शिक्षा के उद्देश्य से, कैसे शिक्षा सबको पहुंचाई जाए, इस उद्देश्य से 1959 में दूरदर्शन की स्थापना हुई, ठीक है। ये है रेगुलर ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 1965। फिर रेगुलर पहले तो केवल एजुकेशन के लिए हुई थी, फिर रेगुलर सभी चीजों के लिए है, 1965 से इसका रेगुलर ब्रॉडकास्टिंग शुरुआत हो गई। फिर और आगे आते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम इसरो कहते हैं, ठीक, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसने कुछ सैटेलाइट जो है वो उधारी के लिए बोरो मतलब होता है नासा से, ठीक है, बोरो मतलब उधार होता है, नासा से उसने उधार लिए। नासा आप जानते हैं नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे कुछ जो है सैटेलाइट जो है उधार ली, सैटेलाइट उधार लेकर मतलब सैटेलाइट जो है पहले हमारे पास इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, अब चूंकि न्यूज जो है ब्रॉडकास्ट करनी थी और न्यूज ब्रॉडकास्ट करने के लिए हमें सैटेलाइट का सहारा लेना होता है, तो इसलिए इंडिया ने इसके नासा के सैटेलाइट का सहारा लेकर के न्यूज ब्रॉडकास्टिंग का काम शुरू किया। यह जो कलर ब्रॉडकास्टिंग है वो 1982 से शुरू हुई, जिसमें इसकी शुरुआत कब से हुई थी, इसका शुरुआत जो है एशियन गेम जो हुए थे नई दिल्ली में, तब से कलर ब्रॉडकास्टिंग, यानी इसके पहले जो काम कर रहा था वो ऐसा था ब्लैक एंड व्हाइट होता था, लेकिन कलर जो है 1982 से शुरू हो जाता है। फिर कुछ क्वेश्चन आता है जैसे TRP का फुल फॉर्म क्या है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट आ चुका है। फिर आते हैं पीपल मीटर क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो पीपल मीटर क्या है, डिवाइस दैट कीप ट्रैक ऑफ व्हाट इज वॉचिंग एंड व्हेन ऑन टीवी। पीपल मीटर ये क्वेश्चन आया था, पीपल मीटर क्या है, ये पूछा गया था कि जो व्यक्ति जो है जो
कि टेलीविजन पे कुछ भी देख रहे होते हैं तो उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, तो उसकी मॉनिटरिंग जो है उसको मॉनिटर करने के लिए जो पैमाना है उसे हम कहते हैं पीपल मीटर। पीपल मीटर क्या है, एक यूनिट है मेजरमेंट की जिसके माध्यम से ये पता किया जाता है कि कौन व्यक्ति क्या टीवी पर और कब देखता है। इससे इंडिया में ये पता चलेगा कि इंडिया में टोटल टीवी देखने वाले कितने लोग हैं और क्या देखते हैं और कब देखते हैं, ठीक है। ये पता जैसे कि पता चलेगा कि शाम के समय 8 से 9 के बीच में ज्यादा से ज्यादा लोग समाचार देखते हैं, समाचार में भी किस प्रोग्राम को ज्यादा देखते हैं, कौन से चैनल को ज्यादा देखते हैं। तो ये पूरा पूरा ट्रैक का जो है रिकॉर्ड रखती है और इस पब्लिश करती है। आप जानते भी टीआरपी, आपने नाम सुना ही, ऊपर बताया टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, आपको पता चलता होगा कि ये जो न्यूज चैनल है सबसे ज्यादा देखा जाता है, ये जो प्रोग्राम है सबसे ज्यादा देखा जाता है, ये प्रोग्राम जो है इतने बजे ज्यादा देखा जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो है इसको ट्रैक करती है, इसका रिकॉर्ड रखती है, ठीक है। फिर है बार्क, आप नाम सुना होगा, ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क, इसकी स्थापना 2012 में हुई थी, ठीक है। ये भी जो अर्णव गोस्वामी का जब केस हुआ था तब इसका भी इसमें नाम आया था, ठीक है। सर इसमें तो जैसे डिश टीवी जो अधिकतर रहती है गांव में, सर उससे कैसे पता चलता होगा इसमें कि ये इतने लोग इतना देख रहे हैं करके, वो तो पता है। डिश टीवी जो होती है, जो भी डिवाइस होती है गांव में या शहर में कहीं भी लगाई जाती है, आप जानते होंगे सभी में एक सेटअप बॉक्स रहता है सर, लेकिन वो फ्री वाला है और एक वो अलग रहता है। नहीं, जो सेटअप बॉक्स होता है उस सेटअप बॉक्स के अंदर क्या है, एक जो है एक मेजरमेंट करने की यूनिट लगी रहती है, ठीक है। वो यूनिट बताया करती है कि कौन प्रोग्राम कब देखा जा रहा है, ठीक है। आखिर जो सेटअप बॉक्स रहता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेटेलाइट से तो जुड़ा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट उसमें चीजें आ रही हैं। आप जानते होंगे एक एंटीना लगाया जाता है ऊपर से और वो एंटीना क्या करता है, चीजों को कवर करके आपको दिखाता है। तो जो एंटीना आपको प्रोग्राम कवर करके दिखाता है वो एंटीना सिग्नल भी तो भेजता है कि इस समय ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, इस समय ये चीज को मॉनिटर किया जा रहा है। वो आपको नहीं मालूम है लेकिन वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, कौन सा प्रोग्राम कब देखा जा रहा है, कितनी देर देखा जा रहा है, ये सारी की सारी सूचना जो है वो सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है। और इस सूचना को जो है ट्रैक करने के लिए जो है ये है पीपल मीटर जो है, ये यूनिट होती है और ये जो है इसको कैलकुलेट करती है, ठीक है। ये भेजती रहती है और बाकी जो एजेंसीज हैं वो एजेंसी का काम करती है मॉनिटर करते हैं। जैसे आप देखिए, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाकर के देखिए कि टोटल जो है कितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। अभी जाकर के पूछिए जाएगा, गूगल आपको तुरंत बता देगा। अब ये सोचिए गूगल को कैसे मालूम कितने लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो गूगल क्या करता है, जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, जितने भी इंटरनेट ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, चाहे वो जियो हो चाहे वो एयरटेल हो, इन सभी के पास रिकॉर्ड होता है। जैसे मैं अभी जियो का जो यूज करता हूँ तो जियो के पास इतना रिकॉर्ड है कि मेरी जो जियो की सिम हो कितने लोगों के पास, एक तो ये रिकॉर्ड है। दूसरा उसके पास ये रिकॉर्ड है कि टोटल जो है कॉलिंग कितनी होती है, उसके पास सब तरह की मिनिमम कॉलिंग कितनी होती है, यानी वो ये बता सकता है। अगर आप पता करना चाहें कि गांव के लोग ज्यादा बातें करते हैं कि शहर के लोग ज्यादा बातें करते हैं तो बता देगा। किस समय ज्यादा बातें होती हैं ये भी आपको बता देगा। इंटरनेट का कितना इस्तेमाल होता है ये भी आपको बता देगा। इंटरनेट जो है किस चीज देखने में ज्यादा होता है, वीडियो देखने में, ऑडियो सुनने में, ये भी आपको बता देगा। तो ये सारा का सारा जो डेटा होता है ये लोग क्या करते हैं, इसको मॉनिटर करते रहते हैं। जब मॉनिटर क्यों करते हैं, वो मॉनिटर इसलिए करते हैं ताकि आगे की पॉलिसी इसी अनुसार बनाई जा सके, ठीक है। यहाँ तक कि आप जानते होंगे, अगर आपने देखा होगा गूगल अगर का आप इस्तेमाल करते होंगे, गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते होंगे, गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल करते होंगे, आपने अपने सारे मोबाइल के डेटा को सिंक्रोनाइज करके रखा होगा, गूगल फोटो का इस्तेमाल करते होंगे, गूगल GPS का इस्तेमाल करते होंगे, तो गूगल के अगर सब चीज इस्तेमाल करते हैं तो आप कभी ये फ्लिपकार्ट या कभी फेसबुक या कभी अगर ये सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके पास एडवर्टाइज आता होगा, आपके मन आप जो चीज चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ एडवर्टाइज आ रहा है। वो क्यों ये सर आता है, हाँ, तो वो आपकी हर एक चीज को मॉनिटर करता है, हर एक चीज को मॉनिटर करता है। गूगल आपको मेल भेजता है, 3-1 महीना जब समाप्त हो जाता है, हर मंथ समाप्त होता है, तो आपको मेल भेजता है कि इस महीने आपने कहाँ कहाँ विजिट किया,
ठीक है, तो आपके पास जितना रिकॉर्ड नहीं होगा, गूगल पास उससे ज्यादा रिकॉर्ड है कि आपको क्या खाने में पसंद है, आप वीडियो कौन सा देखते हैं, आप ऑडियो कौन सा सुनते हैं, ईच एंड एवरीथिंग का रिकॉर्ड उसके पास है और उसी अनुसार वो आपके चीजों को दिखाता रहता है, आपको ट्रैक करता है। और वो डेटा जो है, आप सोचते भी होंगे कि हमको ये फ्री में सारी चीजें क्यों गूगल देता है, फ्री में नहीं देता, गूगल आपका रिकॉर्ड ट्रैक करता है और उस रिकॉर्ड को जो है वो एजेंसी को बेच देता है कि भाई इस ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को जो है इंटरेस्ट किस में है, स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, तो आपके सामने स्पोर्ट्स वाले सारे वीडियो आएंगे, आप जहां भी जाओगे आपको ऐसे जुड़े हुए स्पोर्ट्स से जुड़े हुए आपको कपड़े दिखाई देंगे, आपको मतलब सारी चीजें वैसे दिखाई देंगे, ये काम होता है सर। और एक चीज ये था कि जो जैसे आज तक न्यूज चैनल है या जितने भी न्यूज चैनल हैं जो या रिपब्लिक भारत, ये सर किसके अंतर्गत आते हैं जो अभी इसमें पढ़ाया? ये तो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी है। अच्छा, ये अपनी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, ये प्राइवेट एजेंसी है, किसी के अंतर्गत नहीं आते हैं। इन सबको क्या है, मॉनिटरिंग होती रहती है, जैसे ये बार्क है और जो ऊपर आपको पढ़ा, ये सब क्या है, ये सब मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं इनको, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि जितने भी न्यूज एजेंसी होती हैं वो जब अपना परमिट लेती हैं तो उनको परमिट दी जाती है और परमिट देने के बाद उनको जो ट्राई होता है वो मॉनिटर करता है कि कौन सी न्यूज एजेंसी सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही। अभी भी देखिए जो नया बिल आया है, आईटी बिल आया, आपने सुना होगा, आईटी बिल में सबको, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो न्यूज पेपर हो, डिजिटल मीडिया, सबको रेगुलेट किया जा रहा है। तो वो क्या करती है, मॉनिटर करती है हर चीज को, ऐसा तो नहीं है कि कोई इन नियमों की अनदेखी कर रहा हो, ठीक है। और देखिए ये पूरा डिजिटल सिस्टम होता है, पूरा का पूरा हर एक चीज की मॉनिटरिंग हो जाती है, कोई चीज ऐसी बाकी नहीं है कि जो चीज मॉनिटरिंग ना होती। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी बड़ी मात्रा में जो एक्सपर्ट हैं कि हर एक चीज को, एक एक चीज को मॉनिटर होती। बता रहा हूँ इतने लोग पूरे भारत के अंदर टीवी देख रहे होते, लेकिन कौन सा कौन कितना प्रोग्राम देखा जा रहा, हर एक चीज की रिपोर्ट इनके पास होती है, सब कंप्यूटराइज होता सब। इसीलिए तो आप सुना होगा, आपने सुना होगा सुपर कंप्यूटर बनाए जाते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का काम क्या है, कभी कभी आप सोचिए, वो पता चलता है कि ये 1 बिलियन वर्ड जो है या कैलकुलेशन वो 1 सेकंड के अंदर कर देता, तो हमें भी लगता है भाई इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत क्या है। वो कैलकुलेशन इस चीज की नहीं है, वो कैलकुलेशन यही है कि दुनिया में, भारत में इतने सारे लोग एक साथ चीजें देख रहे हैं तो कैसे कैलकुलेट करेगा वो, उसका काम यही है। वो इसी तरह के डेटा को फटाफट कैलकुलेट करके बता देता है कि इस समय टोटल शाम से 8 से 9 के बीच में टोटल इतने लोग टीवी व्यूअर है, उसमें न्यूज देखने वाले इतने हैं, सास बहू देखने वाले इतने हैं, जो है मूवी देखने वाले इतने हैं, उसमें सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बता देगा। चलिए आगे, आवाज नहीं है किसी की, बताएं। चलिए अब कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। हाँ बताएं, आवाज नहीं आ रही आपकी, जो भी है कि कट जा रही है बार बार। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। फिर कुछ अति महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे सबसे पहले सेंसरशिप कब लगाई गई, सेंसरशिप आप जानते हैं ना, सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि जो भी काम किया जा रहा है उसको कैसे बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जाए, ठीक है, उसे बोलते हैं सेंसरशिप, ठीक है। अब मैं फ्री होकर के, स्वतंत्र होकर के काम कर रहा हूँ और मेरे पे नियम लगा दिए जाए कि इस नियमों के तहत काम करना है, तो उसको जो पत्रकारिता है उसकी भाषा में सेंसरशिप कहते हैं कि ये आपको करना है और ये काम, यानी आप न्यूज़पेपर पब्लिश कर रहे हैं तो आपको इसी तरह के कंटेंट पब्लिश करने हैं और बाकी कंटेंट को आप पब्लिश नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने पब्लिश कर दिया। तो ये जो रेगुलेट करने का काम जो है इसको इस भाषा में सेंसरशिप कहते हैं। वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। एक क्वेश्चन जो आता है वो पीत पत्रकारिता से जुड़ा हुआ आता है, मैंने जब एग्जाम दिया था उसमें पीत पत्रकार येलो जर्नलिज्म का क्वेश्चन पूछा गया था कि ये येलो जर्नलिज्म इसका संबंध है, तो इसका संबंध होता है सनसनीखेज एवं उत्तेजना जो पूर्ण है उन समाचार को प्रकाशित करने का। आप जानते होंगे बहुत सारी सनसनीखेज खबरें आती हैं, ठीक है, और बहुत सारे एक्साइटमेंट से जुड़ी हुई खबरें आती हैं, तो ये सारी चीजें जो इस तरह की खबरें होती हैं ये लोगों को बहुत जल्दी प्रभावित करती हैं, ठीक है, एकदम से लोगों को प्रभावित कर देती हैं। तो इस तरह की जो खबरें होती हैं वो जो पत्रकारिता का प्रकार है उसे येलो जर्नलिज्म कहा जाता है, ठीक है। फिर रिपोर्टार्ज, ये क्या है, तो रिपोर्टार्ज जो है वो अंग्रेजी भाषा के रिपोर्ट शब्द है उससे बना हुआ है, जो फ्रांसीसी भाषा में जिसको रिपोर्टार्ज के समानार्थी बना जाता है, सिमिलर बना जाता है। दोनों शब्दों से अभिप्राय किसी घटना का विवरण प्रस्तुत करना है। अच्छा, ये मैंने इसमें रिपोर्ट
क्यों इसको ऐड किया, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रिपोर्ट जो शब्द है ये किससे बना है, तो ये फ्रांसीसी या किस शब्द से सिमिलर है, तो ये फ्रांसीसी भाषा के रिपोर्टार्ज से सिमिलर है, ठीक, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। PRTI आप जानते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये कब आया, 2005 में आया, ठीक है। फिर संचार के माध्यम में दूरदर्शन का प्रयोग कब किया जाने लगा, 1884 से इसका प्रयोग किया जाने लगा, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आए। इसके बाद है टॉप सर्कुलेशन न्यूज़पेपर इन अगस्त 2020 में सबसे ज्यादा सर्कुलेट होने वाले न्यूज़पेपर कौन कौन से थे, तो उसमें क्या था, सबसे पहले नंबर पर दैनिक भास्कर था, दूसरे पे दैनिक जागरण था, और तीसरे पे टाइम्स ऑफ इंडिया था। अब जब आप एग्जाम देने जाएंगे, यानी आपका एग्जाम अक्टूबर में है, तो अक्टूबर में एग्जाम जाने से पहले आप एक बार जरूर इंटरनेट से चेक कर लीजिएगा कि करंट पोजीशन में, करंट टाइम में सबसे ज्यादा कौन सा न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है, ठीक है। क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो पहले आया था, तो उसमें किस अनुसार से जब मैंने एग्जाम दिया था उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा सर्कुलेट होता था, इस समय कौन सा है तो पता नहीं, ठीक है। 2020 में जो है दैनिक भास्कर था, और उसके बाद 2021 में, क्योंकि 2021 तो कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम में बहुत सारा परिवर्तन हो गया, तो ऐसे कौन सा न्यूज पेपर इस समय सबसे ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, उसकी रिपोर्ट आपको मिलेगी। भास्कर लिखा है, हेलो क्या बता रहे हैं सर, उसमें दैनिक भास्कर है ना सर, वो उसमें आपकी पीपीटी में भास्कर लिखा है, भाकर लिखा है, वो हो गया होगा, हाँ दैनिक भाकर लिखा और दैनिक भास्कर, ठीक, सॉरी उसको एडिट कर लीजिएगा, थैंक यू बताने के लिए। चलिए अब आते हैं कुछ बॉलीवुड फिल्मों के बारे में, बॉलीवुड से जुड़े हुए या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन है। सबसे पहला जो क्वेश्चन मतलब हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो कंटेंट है वो है, एक पूछा जाता है कि राजा हरिश्चंद, आपने नाम सुना होगा, राजा हरिश्चंद क्या इज ए फर्स्ट फुल लेंथ मोशन पिक्चर इन इंडिया। पहले जो पिक्चर्स आती थी शॉर्ट पिक्चर्स बनती थी, लेकिन राजा हरिश्चंद्र एक ऐसी पिक्चर आई थी जो फुल लेंथ की, यानी कंप्लीट लेंथ की पूरी पिक्चर बनाई गई थी, जिसको जो प्रोड्यूस बाय जिसको दादा साहब फाल्के द्वारा 1913 में जिसका प्रोडक्शन किया गया था, दादा साहब फाल्के ने इसको जो है निर्देशित किया था। दिस मूवी राजा हरिश्चंद्र वाज साइलेंट मूवी विथ नो डायलॉग नो साउंड। ये एक ऐसी पिक्चर थी, इसमें कोई डायलॉग नहीं था, यानी कोई आवाज नहीं थी, यानी मूक मूवी थी, ठीक है, कोई बिना आवाज की मूवी। तो राजा हरिश्चंद्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सबसे पहले फुल स्ट्रेंथ मोशन पिक्चर कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी। मूक पिक्चर सबसे पहले कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र थी। राजा हरिश्चंद्र मूवी कब आई थी, 1913 में आई थी। राजा हरिश्चंद्र मूवी को किसने डायरेक्ट किया था, दादा साहब फाल्के ने, ठीक। उसके बाद में जानते हैं आप, आलमारा मूवी आई, फर्स्ट इंडियन टॉकीज, ठीक है, पहली ऐसी फिल्म आलमारा आई जिसमें जो है साउंड का उपयोग किया गया, द साउंड फिल्म विच इंक्लूड सिंक्रोनाइज्ड डायलॉग नोन एज ए टॉकिंग पिक्चर, ठीक है। तो सबसे पहले जो फिल्म आई अगर जिसमें साउंड की बात की जाए तो वो आलमारा थी, और बिना आवाज की बात की जाए तो राजा हरिश्चंद्र, ठीक है। आलमारा वाज मेड इन हिंदी उर्दू बाई अरशद ईरानी एंड दिस मूवी वाज रिलीज ऑन 14 मार्च 1931। तो जब ये फिल्म आई, इस फिल्म को जो डायरेक्ट किया था वो अरशद ईरानी ने किया था, और ये जो फिल्म है 14 मार्च 1931 में रिलीज हुई, ठीक है। इसमें दो भाषा में हिंदी और उर्दू का उपयोग किया गया था। उसके बाद में किसान कन्या मूवी आई 1937 में आई, और ये जो मूवी थी वो सबसे पहले कलर मूवी थी, यानी जो पहले राजा हरिश्चंद्र मूवी आई और जो है आलमारा मूवी आई, ये दोनों ब्लैक एंड व्हाइट थी, लेकिन जो किसान कन्या मूवी आई थी ये कलर मूवी थी, और इसको जो है डायरेक्ट किया था मोती बी ने, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन जुड़े हुए आते हैं कि पहली मूक पिक्चर कौन सी थी, हरिश्चंद्र थी, पहली जो है बोलती पिक्चर कौन सी थी, वो आलमारा थी, ठीक है, और जिसको डायरेक्ट इसने किया था अरदेश सिर ईरानी ने, ठीक है। कलर मूवी कौन सी थी, किसान कन्या। चलिए और आगे आते हैं, अब और आगे आते हैं तो कुछ देखते हैं, कुछ क्वेश्चन खासकर ऑस्कर से जुड़े हुए आते हैं। द फर्स्ट बॉलीवुड मूवी टू नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर वाज मदर इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहली मूवी ऐसी कौन सी थी जिसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, वो थी मदर इंडिया। द मूवी वॉज इंडियन फर्स्ट सबमिशन फॉर एकेडमिक अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म इन फॉरन लैंग्वेज, यानी विदेशी भाषा के रूप में इसको सबसे पहले एकेडमिक अवार्ड के लिए भी सबमिट किया गया, ठीक है, एंड वॉज नॉमिनेटेड फॉर द अवार्ड बट अल्टीमेटली लॉस्ट फॉर जस्ट वन वर्ड। इसको नॉमिनेट करना होता है, देखिए जैसे भारत में क्या होता है, पद्मश्री
मिलता है, पद्मभूषण मिलता है, तो इसके लिए कैंडिडेट को लोग नॉमिनेट करते हैं। अब सरकार को अगर लगता है कि देना चाहिए तो देती है और नहीं देना चाहिए तो नहीं देती है। तो इसी तरह से नॉमिनेशन होता है। तो जो द मदर जो हमारी मदर इंडिया मूवी थी, इसको भी एकेडमिक अवार्ड फॉर बेस्ट इन फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इसको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वोट पूरे नहीं मिल पाए, वोट की वजह से इसे वो पुरस्कार नहीं मिल पाया। द अवार्ड इज गिवन एनुअली बाय द यूनाइटेड स्टेट एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस टू बी अ फीचर लेंथ मोशन पिक्चर। अब ये पूछा जाता है कि जो एकेडमिक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म इन फॉरेन लैंग्वेज है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो जो ये अवार्ड है, ये यूनाइटेड स्टेट एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस के द्वारा दिया जाता है। तो क्वेश्चन देखिए एक बना, तो सबसे पहले ऑस्कर के लिए कौन सी मूवी नॉमिनेटेड हुई 1957 में, जो मदर इंडिया मूवी आई वो नॉमिनेटेड हुई। इसके साथ जो मूवी है मदर इंडिया, उसको एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म इन फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी नॉमिनेटेड किया गया। ये जो अवार्ड है वो यूनाइटेड स्टेट एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज के द्वारा दिया जाता। ये जो अवार्ड है कैसे दिया जाता है, एनुअली साल में एक बार, वर्ष में एक बार। उसके बाद आते हैं फिर से इंडिया रिसीव इज फर्स्ट ऑस्कर। उसके बाद भारत को सबसे पहला ऑस्कर पुरस्कार कब मिला, वो मिला था 1982 में, व्हेन ऑनररी भानु अथैया वॉन द अवार्ड एज द बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर फॉर रिचर्ड एटनबर्ग फिल्म गांधी 1982। सबसे पहले जो ये मूवी बनी थी गांधी, ठीक है, गांधी जो पिक्चर बनी थी 1982 में, जिसको की जो डायरेक्ट किया था रिचर्ड ने, उसमें जो कॉस्ट्यूम डिजाइन का काम किया था वो भानु अथैया ने किया था। तो वो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के रूप में जो भानु अथैया को सबसे पहला ऑस्कर दिया गया 1982 में गांधी मूवी के लिए। एग्जैक्टली आफ्टर ए डिकेड, उसके बाद में एक दशक के बाद में सत्यजीत रे जो रिसीव है, सत्यजीत रे हैं आप जानते होंगे, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जानते होंगे कि इनको भी ऑनररी एकेडमी अवार्ड जो है एट ऑस्कर दिया गया इनको भी 1992 में। उसके बाद में बंगाली फिल्म मेकर सत्यजीत रे हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया 3 times इन द कॉम्पिटिशन द मोस्ट बाई एनी डायरेक्टर। उसके बाद सत्यजीत रे हैं जो एक बंगाली फिल्म डायरेक्टर थे, उन्होंने इंडिया को 3 जो है वो रिप्रेजेंट किया ऑस्कर के लिए, ठीक है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला ऑस्कर कब मिला, तो 1982 में जो गांधी मूवी थी उसके लिए किसको मिला, भानु अथैया, ठीक है। उसके बाद में सत्यजीत रे आते हैं दूसरे नंबर पे। 2008 था वो बेस्ट ईयर था इंडियन सिनेमा के लिए, भारतीय सिनेमा के लिए 2008 जो है सबसे बेहतर वर्ष साबित हुआ, क्योंकि इस वर्ष जो है भारत ने जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है उसको 3 मिले। और 3 किसको मिले थे, एक ऑस्कर मिला था AR रहमान को, दूसरा जो था रेहुल पॉक्टी को, और AR रहमान इज द ओनली, ठीक है। तो ये इस तरह से 2 ऐसे थे जिनको 3 दिए गए, और AR रहमान एक ऐसे इंडियन एक्टर थे हु ओन मोर देन 1 एकेडमी अवार्ड इन 2009, जिन्होंने 1 एकेडमिक अवार्ड जो है जीता 2009 फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एंड बेस्ट ओरिजिनल स्कोर इन स्लमडॉग मिलियनेयर, ठीक है। तो ये मूवी का नाम ने सुना होगा आपने, तो इसमें जो सॉन्ग दिया था उसके लिए उन्हें एकेडमिक अवार्ड दिया गया। तो ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा जो है ऑस्कर विनर कौन थे इंडिया के, तो वो है AR रहमान, ठीक है, इनको 2 ऑस्कर। चलिए और आगे आते हैं, अब आते हैं FTII। देखिए अब आप जब जाएंगे जो है एग्जाम में, तो सबसे पहले ये चेक करके जाइएगा कि 2021 में किस ऑस्कर अवार्ड दिया गया, किस मूवी को ऑस्कर अवार्ड से नॉमिनेट किया गया 2021 की, 2020 की कौन सी ऐसी मूवी थी जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा और जाने से पहले एग्जाम एक बार जरूर चेक करके जाइएगा, क्योंकि एग्जाम के जाने के पहले बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। ये नहीं होता कि आप आज कुछ और पढ़ें और वही पढ़ के चले, कुछ चीजें आपको एग्जाम से पहले देख के जानी होती है, ठीक है, तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे आते हैं, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें सबसे पहला है FTII है, इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है, 1960 में, फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया का ऐसा पहला संस्थान है जो इस्टेब्लिश हुआ था, प्रभात स्टूडियो प्रेमिसेस पुणे में, कहाँ पर हुआ था, प्रभात स्टूडियो जो है का जो प्रेमिसिस है उसमें जो है 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। इसको फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहा जाता है, FTII, आपने नाम सुना भी होगा कि फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के बारे में,
ठीक है, बहुत सारी चीजों में इसका नाम आता है। द इंस्टीट्यूट वाज रीनेम्ड द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, 1971 में इसका नाम बदल करके फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी FTII कर दिया गया। ठीक है, इसको फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पहले भी था, फिल्म एंड टेलीविजन कर दिया गया। ठीक है, तो FNJT था, फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। देखिए पहले जो लिखा है FTII लिखा है वो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिखा हुआ है। ठीक है, FII फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1960 में नाम था और 1971 में इसका नाम बदल के FTII कर दिया गया था। ठीक है, इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत सरकार के अंतर्गत आता है लेकिन ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए भारत सरकार के अंदर दो तरह के इंस्टीट्यूट आते हैं, एक इंस्टीट्यूट आता है जो भारत सरकार स्वयं से रेगुलेट करती है यानी पूरा का पूरा उस पर नियंत्रण रहता है, वो एक संवैधानिक संस्था होती है, उस पर उसके लिए नियुक्तियां होती हैं सरकार के द्वारा, सारी चीजें होती हैं। और जहां स्वतंत्रता की बात आती है वो भी जो है गवर्नमेंट के अंतर्गत ही है लेकिन गवर्नमेंट के डायरेक्ट अंदर में नहीं है, यानी गवर्नमेंट का ऐसा नहीं कोई मंत्री इस तरह की चीजें नियुक्त होती हैं उसके लिए, नहीं, उसके लिए एक बॉडी बनाई गई है जो बॉडी अपना डिसीजन स्वयं से लेती है, उसके लिए संसद से किसी प्रकार की कोई बिल पास कराना नहीं। तो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट यानी वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही बोलेंगे उसे। अनुपम खेर जो है इसके करंट चेयरमैन है। ठीक है, फिल्म टीवी एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। ठीक है, द सेंटर विल सेट अप ए न्यू इंस्टीट्यूट इन अरुणाचल प्रदेश एज अ पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके बाद में क्या किया कि जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्होंने एक और इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की बात करी, कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश से, जिससे क्या है कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लोग हैं उनको भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आने का एक मौका मिले, उनको भी अपने आप को आगे बढ़ाने का एक मौका मिले फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में। तो ये एक प्रयास था सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन ये बनेगा कि FTII का फुल फॉर्म क्या है, तो फिल्म एंड टेलीविजन ऑफ इंडिया, ये कैसी संस्था है, ये एक ऑटोनोमस संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना जो है 1960 में फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रूप में हुई थी और 1971 में इसका नाम बदल करके फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रख दिया गया। इसके चेयरमैन कौन है, अनुपम खेर। ठीक है, आप जब एग्जाम देने जाइएगा तो एक बार चेयरमैन जरूर चेक कर लीजिएगा, हो सकता है बदल भी। ठीक है, जरूरी नहीं होता है। उसके बाद आते हैं CBFC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। आप जानते होंगे जब भी कोई फिल्म रिलीज होती है तो उस रिलीज होने से पहले उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है कि, ठीक है, जैसे आप पास होते हैं तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसी तरह फिल्म को पास होने के लिए सर्टिफिकेट दिया जाता है। जब भी आप मूवी देखने जाते हैं तो वहां पे लिखा होता है UA या U, इस तरह के सर्टिफिकेट पड़ा होता है। तो उस सर्टिफिकेट का एक मतलब होता है कि ये जो बच्चे, ये जो फिल्म है ये एडल्ट केवल देख सकते हैं, ये फिल्म जो है फैमिली के लोग देख सकते हैं, ये फिल्म जो है बच्चे भी देख सकते हैं या इस फिल्म, तो इस तरह से उसके मतलब होते हैं कुछ। ठीक है, ये सर्टिफिकेट जो है ये करती है, इसके सिवा अगर कोई गलत कंटेंट है उस कंटेंट को हटाने का भी काम करती है। ठीक है, ऑफन रिफर्ड एज द सेंसर बोर्ड, इसको सेंसर बोर्ड भी, सेंसर मतलब क्या होता है, छटनी करना, काटना। ठीक है, इट इज ए स्टेचुरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। अब ये देखिए ये क्या है, संवैधानिक संस्था, स्टेचुरी बॉडी, इस पर सरकार का सीधा नियंत्रण है, सरकार जो सीधा मॉनिटरिंग करती है। ठीक है, ये क्या करती है, आपको बताया दिया कि जितने भी कोई भी फिल्म रिलीज होगी तो उसको सर्टिफिकेशन का काम करती है। ठीक है, ये 1952 के एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना हुई थी, एक्ट है 1952 का लेकिन। ठीक है, इट इज सिटेड इन मुंबई महाराष्ट्र, इसके जो स्थापना हुई है मुंबई में हुई है, जो पहले हमने पढ़ा था फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वो पुणे में हुई थी। फिल्म कैन बी पब्लिकली एग्जिबिटेड इंडिया ओनली आफ्टर दे आर सर्टिफिकेट बाय द बोर्ड। फिल्म तभी रिलीज हो सकती है भारत के अंतर्गत जब वो CBFC के द्वारा मॉनिटर कर ली गई हो। ठीक है, इसके 9 जो है क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगलोर, तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद है और न्यू दिल्ली है। ठीक है, कटक एंड गुवाहाटी भी है। प्रसून जोशी जो है इसके करंट चेयरमैन है CBFC के। आप जब जाएंगे एग्जाम देने तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से इसके चेयरमैन कौन है, इसकी स्थापना कब हुई, इसका काम क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आते हैं NSD, आपने नाम सुना होगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, वन ऑफ द फॉरमोस्ट थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड एंड द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड ऑफ इंडिया। भारत पूरे विश्व के अंदर जाना माना और संस्थान है, तो भारत का एकमात्र संस्थान है NSD, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। हर जितने भी फिल्म इंडस्ट्री है या जो डिजिटल इंडस्ट्री है या जो नाटक के क्षेत्र में काम करने वाले, हर एक किसी युवा का सपना होता है कि उसे NSD के अंदर एंट्री मिल जाए, क्योंकि NSD एक ऐसा प्राइमर इंस्टीट्यूट है जो वास्तव में ऐसे टैलेंट को निखारता है। ठीक है, तो
हर किसी का सपना होता है इसमें जाने का, जो उस फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इसे कहते हैं। इट वॉज सेटअप बाय द संगीत नाटक एकेडमी। इसको स्थापना जो है उस संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा की गई थी। ये एक संवैधानिक संस्था है, इसके 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। इन 1975 में इसको एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र एंटिटी घोषित कर दिया गया। देखिए पहले जो एनएसडी था वो संगीत नाटक एकेडमी के अंतर्गत आता था, ठीक है, लेकिन जब आगे जैसे जैसे इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती गई, जैसे चीजें और बढ़ती गई, 1975 में एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र संस्था भी बना दी गई, ठीक है। और उसके बाद में ये जो संस्था है वो फुली फाइनेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसकी संस्था को जो पैसे का देने का काम करती है, फाइनेंस का काम करती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, श्री परेश राव, ठीक है। 2021 में इसके चेयरमैन एनएसडी के, जब आप एग्जाम देने जाए तो इसी को ध्यान रखें, चाहे वो एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो, चाहे वो सीबीएफसी हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन हो, चाहे वो एफटीआईआई हो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये तीनों जो हैं भारत के एक प्राइमर इंस्टीट्यूट हैं, भारत के एक रेपुटेड इंस्टीट्यूट हैं। एक जो है फिल्म को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है, दूसरा जो है सेंसर यानी फिल्म को रिलीज होती है उसका काम करता है फिल्म एंड टेलीविजन, ठीक है, और वो सीबीएफसी, और तीसरा जो है वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वो एक इंस्टीट्यूट है जो उस फील्ड में काम करने वाले लोगों को ट्रेन करता है, ठीक है। तो ये जो है इससे जुड़े हुए जो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए जो प्रश्न थे उसके बारे में डिस्कशन किया। अब इससे जुड़े हुए अगर कोई अन्य जिज्ञासा है या आपको लगता है कुछ